नमस्कार, एसटीएन न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश पाठक। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तरफ से अल्पसंख्यकों की जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को पलटवार किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गरीबी कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने के मौके पर कहा कि समुदाय में गरीबी कम करने में मदद के लिए सभी पक्षकारों को आगे आना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। गरीबी की वजह जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है। हिमंता ने कहा कि यदि जनसंख्या विस्फोट जारी रहा तो एक दिन कामाख्या मंदिर की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया जाएगा। जबकि सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 2017 में एक नीति पेश की थी जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी हासिल करने और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया गया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी पर ओवैसी भड़क गए और बोले कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। यह हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीब और शोषित लोगों पर आरोप लगा रहा है। AIMIM चीफ ने कहा कि हकीकत यह है कि असम पहले से ही TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पर आ चुका है, जबकि राष्ट्र का TFR 2.2 है। साधारण शब्दों में कोई जनसंख्या विस्फोट है ही नहीं। ओवैसी ने आगे कहा कि आपकी सरकार को लिंग चयनात्मक गर्भपात की बर्बर प्रथा के कारण विषम लिंगानुपात के बारे में चिंता करनी चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि 2036 में असम का लिंगानुपात बिगड़ जाएगा और पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। बुनियादी तौर पर लिंग विरोध वाली संस्कृति के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे SCN न्यूज। शुक्रिया।